इस समय तैयार हो जाइए एक सुपर कॉप के लिए, द वन एंड ओनली इंस्पेक्टर चिंगम। देखो एक नया शो इंस्पेक्टर चिंगम शुरू हो रहा है 29 अप्रैल दोपहर 1 बजे। तुम सब लोग इतने उदास क्यों हो? बारिश की वजह से? अगर इतनी परेशानी तो आज से क्यों नहीं लेते? इस तरह मैं उससे छुटकारा पा लूंगा। शेर खान बहुत खुश है, लगता है कोई घटिया तरकीब सोच रहा है। मैं बहुत उदास हूं। मेरे सारे बच्चे बड़े हो गए, इसकी आदत डालनी होगी, सब अपने रास्ते चले जाएंगे। मैं समझता हूँ, बच्चों को अपने से दूर जाते हुए देखना बहुत मुश्किल है। मुझे उन पर नाज है, पर मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। नहीं, अगर वो चले भी गए तो तुम्हारे वो पास दोस्त तो हैं। और मुझे यकीन है कि घर में और छोटे बच्चे आ जाएंगे, मेरा मतलब बच्चों के बच्चे। फिर वो भी चले जाएंगे। हाँ, पर दुनिया का यही नियम है, और अगर वो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुमने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। बच्चों को पालना बहुत बड़ा काम होता है, और मैं जानता हूँ कि तुम उसे फिर से करना चाहोगी। बस करो बलू, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो ठीक है, फिर कुछ और बात करते हैं। मैं तुम्हें अपना नया तरीका बताता हूँ शहद चुराने का, जिससे मधुमक्खियाँ डंक नहीं मारेंगी, और ऐसे मैं उन्हें चकमा दूंगा। अब कौन सा नया तरीका है? दरअसल मैंने ये सिम्बा की मदद करते हुए सीखा है। अब ये मत कहना ये सब ट्रेनिंग तुम्हारे खाने के लिए थी। बिल्कुल नहीं, शायद मछली पकड़ने के समय। बलू, अगर अगस्त्या को पता चला तो वो तुम्हें कभी बच्चों को सिखाने नहीं देगा। नहीं, अगर उसे पता होता कि सिम्बा को खरगोश के पीछे छिपके जाने सिखाने से मुझे ये समझ आता कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। वैसे तो मैं ये काम रात को करता हूँ, पर मैं आज ज्यादा रुक नहीं सकता, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे आराम करना है, मैं गुफा में जाकर सोती हूँ। क्या बात है सिम्बा, क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा? या तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, दरअसल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ठीक हूँ सच में, बस मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए हमारे साथ क्यों नहीं आते? नहीं शुक्रिया, मैं यहीं पर ठीक हूँ। चलो भी, मजा आएगा। हाँ चलो सिम्बा, बहुत मजा आएगा। शायद अगली बार, ठीक है, अभी मुझे यहीं रहना है, यहाँ कोई नहीं है। इस तरह मैं ध्यान से अपने भविष्य के बारे में सोच पाऊंगा, तुम समझ गई ना? बलू को मेरी जरूरत नहीं है, वो कुछ देर पहले तक यहीं था। पर उसके शहद निकालने के तरीके ने उसे मुसीबत में डाल दिया है। फिर से वही। चलो भी, तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। ठीक है। तुम
पलू कभी नहीं सीखेगा। देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने देर कर दी। हमने तुम्हें जल्दी करने को कहा था। ये पहली बार नहीं है कि बलू को मधुमक्खियों ने डंक मारा है, पर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बलू तुम कहाँ हो? आखिर आज तुम्हें फिर से सबक मिल गया ना। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है मधुमक्खी, अब तुम उसे अकेला छोड़ सकती हो। मुझे लगता है उसने अपनी गलती समझ ली है। तेरो भागो बल्लू, निकलो और भागो तेजी से। अपने काम से काम रखो, ये हमारे और शहद चोर के बीच का मामला है। छोड़ दो। ओहो कम से कम उसे सांस तो लेने का मौका दो मधुमक्खियों। हम शहद चोरों के साथ ऐसा ही करते हैं। मुझे यकीन है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। बल्लू को सिर्फ थोड़ा सा शहद खाना था। उसे मीठा बहुत पसंद है, मगर वो किसी को चोट नहीं पहुँचाएगा। तुम्हें सिम्बा की बात सुननी चाहिए, वो एक दिन महान राजा बनेगा। इसने सही कहा। ठीक है हम बल्लू को माफ कर देंगे, पर ये आखिरी बार है। चलो दोस्तों चलते हैं। क्या बाहर कोई खतरा नहीं है सिम्बा? हाँ बलू, मैंने उन्हें मना लिया तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे वो डंक मारने वाली मधुमक्खियों से कोई बात नहीं करनी है। ए, ये कोई तरीका नहीं हुआ बात सुलझाने का। बात तभी सुलझेगी सिम्बा जब बलू शहद चुराना बंद करेगा। मुझे लग रहा है तुम सीधा निष्कर्ष पे पहुंच रही हो। हमें इस मामले में पहले बात करनी चाहिए। मैं मानता हूँ, चलो अब बात करते हैं। ठीक है, बात करने के लिए कुछ भी नहीं है बलू, तुम बस शहद चुराना बंद करो। तो सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम शहद बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करती हो? तुम्हें ये नहीं पता अगस्त्या ने तुम्हें क्या सिखाया है? सही कहा, और जब ये तुम करती हो तो तुम फूलों से पराग लेती हो। सही कहा, इनसे ज्यादा शहद कोई नहीं बनाता। पर मुझे यकीन है कि ये फूलों से उनकी इजाजत नहीं लेती। इस तरह से तो ये मधुमक्खियाँ भी चोर हुई ना। मुझे लगता है पराग तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, पर किसने कहा कि ये बल्लू के लिए जरूरी नहीं है? सिम्बा तुम्हें पता है कि हम फूलों की कितनी इज्जत करते हैं, हम बस थोड़ा सा पराग लेते हैं। और यही तो बल्लू करता है, वो थोड़ा सा शहद देता है जब उसे जरूरत होती है, अब समझी तुम? और तुम सब कितनी बुरी हो, चाहती हो कि मैं थोड़ा भी शहद ना खाऊं। पर एक फर्क है सिम्बा, हम शहद बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बल्लू अपना पंजा सिर्फ शहद चुराने के लिए उठाता है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, पर इससे सच नहीं बदलता कि तुम फूलों से पराग चुराती हो शहद बनाने के लिए, पर बल्लू को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। तो देखा जाए तो तुम सब एक ही चीज कर रहे हो। क्या तुमने वो सुना जो सिम्बा ने कहा, हम सब बराबर हैं। छोड़ो मुझे, अरे क्या कर रही हो? अरे मुझे लगा हम बात कर रहे हैं मामला सुलझाने के लिए। ठीक है सिम्बा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, हमें इसके लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। चलो मान लेते हैं कि सिम्बा सही है। चलो भी शांत रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम तुम्हारी बात मानते हैं तो सिम्बा तुम्हें भी बल्लू को कहना होगा कि वो शहद ना चुराए, क्योंकि हमें जीने के लिए पराग की जरूरत होती है। उम्मीद है कि तुम हमारी बात समझ गए होगे। पर तुम्हें ये कबूल करना पड़ेगा कि तुम मतलबी हो। तुम लोग अपना शहद बल्लू के साथ कभी नहीं बांटती हो। तुम्हें लगता है कि शहद को बचाना मतलबी होना है?
हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि फूलों से पराग लेने को अपना हक समझना मतलबीपन हुआ। क्या कभी तुमने सोचा है फूलों को कैसा लगता होगा? मुझे यकीन है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे ये भी पता है कि बल्लू मतलब ही बनके तुम्हारा पूरा शहद ले सकता है, लेकिन वो मतलब ही नहीं है तुम्हारी तरह। पर मुझे लगता है सबको खुश करने का एक ही रास्ता है। और वो क्या है सिम्बा? बल्लू जितना शहद खाता है अब उसे कम मात्रा में खाना होगा। सही कहा। ठीक है, पर बल्लू हद से ज्यादा नहीं खाएगा। मैं वादा करता हूँ अब ज्यादा नहीं खाऊंगा। हाँ। मुझे पता था हम उपाय ढूंढ लेंगे, पर मैं बल्लू पे निगाह रखूंगा कि वो अपना वादा पूरा करता है या नहीं। मुझे पता है उसके लिए मुश्किल होगा, पर मुझे यकीन है वो सीख जाएगा। तो तुम किस लिए रुके हो? क्या तुम्हें तुम्हारे हिस्से का शहद नहीं चाहिए? क्या सच में तुम मुझे डंक नहीं मारोगी? बताओ। नहीं बल्लू, हमने वादा किया है। चलो, शहद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बल्लू तुम फल बाद में तोड़ सकते हो। जल्दी करो बलू, हमें बहुत काम है। क्या सच में मैं थोड़ा शहद ले सकता हूँ? बिल्कुल, वरना हम सिम्बा से कभी वादा नहीं करते। मुझे नहीं पता कैसा रहेगा अगर मैं तीन पंजों जितना लूं। ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना? बोलो। जाके ले लो। जाओ। अगर तुम खुद से नहीं लेना चाहते तो हम खुशी से खुद लाके दे देंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसा कहोगी कभी। सच कहूँ तो बलू, हमने भी कभी नहीं ऐसा सोचा था। यकीन नहीं हो रहा है, सिम्बा को शुक्रिया बोलना पड़ेगा। आराम से खाओ बलू, अब हमें जाके काम करना है। काम करना है।